नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M33 5G versus Motorola H20 Fusion का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M33 5G में 6.51 इंच जबकि H20 Fusion में 6.54 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M33 5G में 3.03 इंच जबकि H20 Fusion में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M33 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M33 5G में 0.37 इंच जबकि H20 Fusion में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M33 5G में 215 ग्राम्स जबकि H20 Fusion में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M33 5G में TFT जबकि H20 Fusion में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M33 5G में 6.6 इंचेस जबकि H20 Fusion में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M33 5G में 1080x2408 और H20 Fusion में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M33 5G में 82.68% जबकि H20 Fusion में 85.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M33 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि H20 Fusion में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M33 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और H20 Fusion की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M33 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और H20 Fusion की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M33 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और H20 Fusion में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M33 5G में Mali-G68 जबकि H20 Fusion में Mali-G57 MC3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M33 5G में Samsung Exynos 1280 और H20 Fusion में MediaTek Dimensity 800 UMT-6853V मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M33 5G में अप टू 1TB जबकि H20 Fusion में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy M33 5G में Android V12 जबकि H20 Fusion में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M33 5G में 6000 mAh जबकि H20 Fusion में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M33 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें H20 फ्यूजन की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटोरोला H20 फ्यूजन की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में H20 फ्यूजन आगे है, मेन कैमरा में H20 फ्यूजन आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है, दूसरा वीवो Y72 5G है, तीसरा रियलमी 8 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53s 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।